हेलो प्रेज द लॉर्ड गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार आप अपने परमेश्वर की दिल से करें। आमीन। यू नो, हमारे जीवन के लिए रोज मैं आपको यही कहता हूँ, जरूरी यह है कि हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हों, स्तुति करते हों, तारीफ और जय जयकार करते हों। देयर इज नो एनी अदर रीजन दैट गॉड हैज क्रिएटेड अस। यू नो, परमेश्वर प्रेम करता है, सारी बातें हैं, पर वो क्यों चाहता है? शायद 3-4 दिन की बात होगी या 2 दिन पहले की बात होगी। सडनली यस, देयर वाज संडे, ड्यू टू सम रीजन मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैं काउंट करने लगा एज काउंट कर रहा हूँ। मेरा बर्थ है 87 का, तो मैं साल में 4-5 बार काउंट कर लेता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि असल में मैं कितने साल का हो गया। पर जब मैं मेरी बेटी की एज काउंट कर रहा था तो मैं काउंट नहीं करना चाहता था और मैं बोलता ये इतनी बड़ी क्यों हो गई भाई, इसको छोटी करो। मैं उसकी असली एज नहीं काउंट करना चाहता। उसका बर्थ है 2010 का और अब वो लगभग 14 साल की अगले महीने हो जाएगी। यू नो, मैं वो नहीं गिनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू सी हर ग्रो। मैं अपने अंदर सोच रहा हूँ, मेरे बारे में सोच रहा हूँ, अरे भाई उसकी एज जो है सो है ना, नहीं पर मैं चाहता हूँ कि और छोटी हो जाए। वो छोटी थी तो मैं उसे साथ में लेके घूमता, गोदी में उठाता और अपनी मोटरसाइकिल पर आगे बैठाता और जो भी कुछ था पकड़ता। यू नो, बस जॉली टाइम। पर अब बड़ी होती जा रही है, छोटा बेटा है, उसको अभी कर लेते हैं, थोड़े दिन बाद उसको भी कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए और मेरे लिए वैसा ही है। ही लव्स अस, ही वांट्स अस टू बी विद हिम, अकॉर्डिंग टू हिम। वो जैसे जैसा वो है वैसा वो हमसे चाहता है। पर ऐसा करने का आज एक ही तरीका है, भले ही आपकी उम्र भले ही 100 हो जाए, और वो तरीका जो है वो परमेश्वर का वचन। इससे बेहतर और कोई मार्ग नहीं है। मैंने नहीं देखा यरूशलेम का पाप। यूं देखा जाए तो किसको परवाह है यरूशलेम का पाप, किसको परवाह है कि दूसरा क्या करता है, किसको परवाह है कि कौन क्या करता है। लेकिन परमेश्वर को परवाह है, क्योंकि वो बाप है, वो पिता है, और पिता को अपने बच्चों की चिंता है। वो चिंता क्या है पता है आपको? कि वो नहीं चाहता कि वो नाश हो जाए। मैंने कुछ नई बात नहीं बताई ना, ये तो आपको पता है, हमको पता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं जो परमेश्वर को नाराजगी का कारण हो। वी नीड टू थिंक अबाउट, सोचना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं 5वें अध्याय में पहले वचन से। लिखा, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यदि कोई मिल सके तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। कि गॉड इज इनवाइटिंग पीपल, कोई मिल जाए। अच्छा, कोई नहीं है तो क्या हुआ? अगर मैं देखूं पवित्र शास्त्र में, मुझे कैसा लगता है कि जब जल प्रलय का समय था तब परमेश्वर को नूह के अलावा कोई नहीं मिला, और वो भी मुझे कैसा लगता है, चलो इसी से काम चला लेते हैं कि और कोई नहीं मिला, किसी ना किसी को तो मुझे रखना पड़ेगा। और मुझे कैसा लगता है कि जब परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई इज़राइल को बनाने की, यानी कि इज़राइल यानी याकूब को इज़राइल घोषित करने की, तब मुझे ऐसा लगता है कि याकूब जो है ना, वो वैसा नहीं था जैसा परमेश्वर उसे देखना चाहता है। बट स्टिल गॉड सेड ओके यार, चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं, अब इसी को इज़राइल बनाएंगे, बिकॉज आई सेड इट। याकूब का जीवन वैसा दिखता नहीं, बट वॉट आई सी इज, वॉट आई बिलीव इज, याकूब ने अपने जीवन में पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे मन फिराव का मौका दिया, और वो जो कुछ था अब वो नहीं है। वो आजकल गीत आया ना, मैं सोचता हूँ द स्पिरिट मोटिवेटेड, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा, कि अब मैं ना रहा याकूब, मैं कौन हूँ अब? मैं अब छुड़ाया हुआ हूँ, बुलाया हुआ हूँ, चुना हुआ हूँ, अलग हूँ। आप और हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं। दूसरा पद, यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते गए। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए, तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। परमेश्वर ताड़ना दे रहा ना, तो वो हमारी शिक्षा के लिए। ताड़ना किसी को अच्छी नहीं लगती। रविवार को मैंने बड़े प्यार से किसी को डांट दिया, एंड इट वॉज इन मिड्स ऑफ फेलोशिप, मैं प्रीच कर रहा था एंड आई सॉ समथिंग वॉज नॉट राइट, तो मैंने जस्ट प्यार से बोला कि जो पीछे ये जो म्याव म्याव कर रहे हो भाई, झकझक चिकचिक कर रहे हो, ये सब मत करो, चुपचाप बैठो, ध्यान दो, यहाँ पर ये 2 घंटे का समय और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ गलत नहीं हो रहा था,
और दे वर टॉकिंग सम रीजन, और मैं ये कहता हूँ कि जब आप 2 घंटे के लिए बैठे हो तो किसी भी रीजन से क्यों बात कर रहे हो, ये 2 ही घंटे तो हमारे पास हैं, साल में 52 रविवार होते हैं, और 52 रविवार के बोले तो कितना 104 आवर्स, ठीक है, और मे बी जस्ट कीप लाइक यू नो 60, 120, 40, 50 आवर्स, और मे बी जस्ट 2 आवर्स, 200 आवर्स इन ए ईयर, आप ये 200 घंटे आप परमेश्वर के सामने अच्छे रीति से ना बैठो तो क्या मजा आए। यू नो, आप अगर आप हल्के में लेते हो ना, या फिर आप सोचते हो कि मैं चर्च के सारे काम कर रहा हूँ, मैं देखभाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा, नहीं ये सही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि काम चाहे कितना भी बड़ा हो, बिना पसीना बहाए अगर आप वो काम कर लेते हो तो आप एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजर हो, सक्सेसफुल मैनेजर हो। ये मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीख लिया है, कर लिया है, और मैं करता भी हूँ। पहले मैं मेहनत करता था, आज मेरे पास लोग हैं तो उनको मेहनत करनी होती है। लेकिन यस, ये आपकी और मेरी, हम सब की जिम्मेदारी, हर एक व्यक्ति को ऐसा ऑर्गेनाइजर और ऐसा मैनेजर होना चाहिए, पर कड़ी मेहनत करने वाला होना चाहिए। इट्स नॉट समथिंग ओके यू डू दैट, आप वो कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, या होशियारी से या किसी को कह के भैया ये कर देना, भैया वो कर देना, दैट्स नॉट राइट। मेहनत तो करो लेकिन एक बुद्धि के साथ। ओके, मैं तीसरा पद पढ़ूंगा आपके लिए, 2 पद से फिर से पढ़ूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते गए। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए, तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है, उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है, पश्चाताप करने से इनकार किया है। 4, 4th पद में, फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है, इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा, निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा, एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। ये जो 6 वचन जो है ये एक भविष्यवाणी है, और इस भविष्यवाणी को समझना है देन यू हैव टू वेट। यू नो आई कैन टेल यू इन 10 मिनट प्रोग्राम या 10 मिनट का प्रोग्राम है, फिर भी 20 मिनट निकल जाते हैं रीडिंग बाय वन चैप्टर, पर इतना आसान नहीं है। बट इफ यू रियली, आप तो हैं परमेश्वर के वचन को, इसीलिए तो रोज ये संगति करने आते हैं। लेट्स गो एड वर्स 7 में क्या लिखा है। मैं कैसे तेरे पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए, वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। क्या मैंने ऐसे कामों का उन्हें दंड ना दूं? यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला ना लूं? परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर किसी भी प्रकार के पाप को और किसी भी प्रकार की बुराई को कभी भी पसंद नहीं करता, और जो लोग उसे हल्के में लेते हैं तो क्या। कुछ समय पहले मैं एक टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर रहा था, एंड मिस्टर विश्वकर्मा जबलपुर से अपनी गवाही शेयर करने के लिए जयपुर आए थे, एंड ही वॉज टेलिंग अबाउट हीज लाइफ कि वो कलकत्ता में जब थे तो किस तरह का जीवन जी रहे थे। और उन्होंने कहा कि कलकत्ता में अगर कोई वेश्याओं की गली में जाता है, रेड लाइट एरिया में जाता है, और वहाँ जाकर वापस आता है, जो भी कुछ करता है, कोई अगर ये बोले कि मैं वहाँ गया था तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई सोचता नहीं, कोई पूछता नहीं, बोले ठीक है जाता है जाता है, सबका है अपना है, उनका नज़रिया ये था। और जब ये बात मैंने सुनी तो मैं सोचने लगा, इज दिस रियली, क्या ये सच है? यू नो, पड़ोसियों को ये परवाह रहती है कि किसी के घर में नॉनवेज बन रहा है, किसके घर में क्या बन रहा है, किसके घर में क्या है, लेकिन कलकत्ता में क्या लोग ऐसे हैं जो जिसको ये परवाह नहीं कि भाई कौन सा आदमी किसके यहाँ जाता है, कौन वेश्याओं के यहाँ जाता है? आई एम नॉट श्योर, मेरे लिए मुश्किल है ये बात समझना, पर अगर ये सच है तो ये बात आपको अच्छी रीति से समझ में आएगी। वाकई में लोगों को इस बात की परवाह नहीं कि लोग बुराई कर रहे हैं, परंतु लोगों को इस बात की परवाह है कि तुम यीशु के पीछे चलते हो, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। दैट इज नीड टू बी अंडरस्टैंड, ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों है कि लोगों को ये परवाह है कि तुम कौन से धर्म पर विश्वास करते हो, बजाय इसके कि तुम कितने पाप करते हो। नेता कितने पाप कर लें, नेताओं के पाप, नेताओं के धोखे, नेताओं के मर्डर, नेताओं के जो भी काले कारनामे हैं, लोगों को उस बात की परवाह नहीं और फिर से वोट दे देंगे क्योंकि वो तो नेता है। टेंडेंसी है ये तो, अच्छा व्यक्ति जिसका जीवन चरित्र ये वो, जिसका काम, उसको लोग समझ में नहीं आएंगे। ना बस इन्हीं रेस्टोरेंट में था, अभी घर शिफ्ट किया मैंने, तो मैं और मेरी पत्नी रात को खाना खाने के लिए गए बाहर, और क्योंकि थके हुए, हालत ख़राब, घर में खाना नहीं बन सकता था, वी वेर आउट एंड इन शॉर्ट स्मॉल वेरी स्मॉल रेस्टोरेंट वहाँ था, एक फैमिली वहाँ और बैठी थी और दो फैमिली थी अलग अलग, पर सडनली वो लोग आपस में बात करने लगे और उनका टॉपिक था राजनीति। राजनीति पर बोला, एक ने बोला हिंदुओं ने मोदी को धोखा दे दिया। मैंने कहा क्या, मोदी जीत गया और फिर भी तुम कह रहे हो मोदी को हिंदुओं ने धोखा दिया? मैंने शर्म आनी चाहिए ऐसी बात। फिर मैंने कहा फालतू बात का मैं प्रतिउत्तर नहीं दे सकता। देवर यू नो सी माई फेस एंड देवर नॉडिंग लाइक दिस, आई डिड नॉट रेस्पॉन्ड, क्योंकि अगर मैं रेस्पॉन्ड करूँ तो मैं उनकी बात में शामिल हो रहा हूँ। मैंने इस तरह से रेस्पॉन्स किया जैसे मैंने आपकी बात सुनी नहीं, आई एम नॉट हियर विद यू, मैं आपके साथ नहीं हूँ, बिकॉज आई वॉज विद माई वाइफ। यू नो ये नॉनसेंस बात मेरे लिए बहुत बड़ी मूर्खता है लोगों के लिए। आई सी पीपल, मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों को जीवन को देखता हूँ, उनके चेहरों को देखता हूँ, उनकी परिस्थितियों को देखता हूँ, एंड आई कैन रिकग्नाइज, परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है क्या चल रहा है उनके जीवन। थोड़ी देर में मैंने उस व्यक्ति को देखा एंड आई सॉ हिज फेस, जैसा मैंने सोचा था व्यक्ति, उसका जीवन नजर आ गया थोड़ी देर में, मुश्किल से 10 मिनट में समझ में आ गया कि उसका जीवन किस तरह का और किस तरह की सोच वाकई में है इनकी। बहुत जल्दी नज़र आ जाती हैं चीज़ें, पर तब जब आप ध्यान से सुने, तब देखें, तब 10 पद में लिखा है, शहरपनाह पर चढ़ के उसका नाश तो करो तो भी उसका अंत मत कर डालो, उसकी जड़ रहने दो परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। समझने की बात है प्रभु यहोवा ने ऐसा क्यों कहा है, आई विल टेल यू लेटर। 11 पद, यहोवा की यह वाणी है कि इज़राइल और यहूदा के घराने ने मुझसे बड़ा विश्वासघात किया है। क्या विश्वासघात? 12 पद से, उन्होंने यहोवा की बातें झुटला कर कहा, वह ऐसा नहीं है, विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना हम तलवार को और ना महंगी को देखेंगे, भविष्यद्वक्ता हवा हो जाएंगे, इनमें ईश्वर का वचन नहीं है, उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। अब दो बात समझना है यहां पर, देखिए क्या कह रहे हैं, हम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम जानते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सब कुछ ठीक है। बिलीवर्स भी ऐसा बोलते हैं, नॉन बिलीवर्स भी ऐसा बोलते हैं, पर ये दोनों के लिए घातक है, दोनों के लिए घातक है। नॉन बिलीवर्स बोलते हैं आप खुश मत हो जाइए, अरे इनका ऐसा है, इनका ऐसा, नो 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 नो, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है, ओके, यू आर चूजन वन, दे आर स्टिल रेडी टू बी चूजन, अभी वो चुनाव के लिए तैयार हैं, प्रभु ने चुनेगा। भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, प्रभु के सेवकों के बारे में बहुत लोग बहुत बड़बड़ बड़बड़ करते हैं। हाँ देखो परमेश्वर का सेवक है, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर के सेवक ने, पौलुस ने जाकर जो है टेंट बनाया था, टेंट बना के उसने सेवा की थी और ऐसा करना चाहिए, सारे सेवकों को यही काम करना चाहिए। भाई उनके घर में आटा फ्री में आता है, वो तुम्हारे लिए दिन और रात सेवा करते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं जब ये मीडिया मिनिस्ट्री में हूँ, क्या लगता है आपको मेरे पास ऑफिस में इतने सारे लोग हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको यूट्यूब से बहुत पैसा आता है। यदि किसी के मन में यह सवाल है मुझसे पर्सनली मैसेज कर ले, लेकिन कहते हैं तो मैं उनको दिखा देता हूँ, भाई साहब महीने के 10,000 नहीं होते, उससे ज़्यादा की तो चाय पी जाते हैं ऑफिस में। कितने सारे लोग मेरे यहाँ पास हैं जो बैठकर मीडिया पे काम करते हैं और ये मेहनत करते हैं, चर्च की सेवा में काम करते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाओं के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ऑफिस सुबह से लेकर शाम तक चलता है। मेरे ऑफिस में 2 AC है, हम सिर्फ 1 ही AC चला सकते हैं क्योंकि वायरिंग इतनी मजबूत नहीं है, कभी भी वायरिंग फॉल्ट हो सकती है, कभी भी बिजली का छापा पड़ सकता है कि तुमने इतना ले रखा है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 kW का कनेक्शन है। यू नो बहुत सारी चीज़ें जो मैं वाकई में चिंता के साथ रहता हूँ, मुसीबत के साथ। आई कैन, यू नो वो कहते हैं ना, पैसा फेक तमाशा देख, अगर होता तो हम ये कर सकते थे, बट नॉट लाइक दैट। बहुत सारे लोग, ये सिर्फ मैं मेरी बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग प्रभु के सेवकों के लिए इतनी सारी बातें करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये वो नहीं है। मेरी बात नहीं कर रहा, मेरे बारे में तो प्रभु का धन्यवाद हो, लोग ऐसा नहीं बोलते, बट आई सी यू नो लॉट ऑफ पीपल टॉक्स अबाउट मेनी पास्टर्स, मेनी लीडर्स। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ भाई, जब तक आप वाकई में नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर इस बात को देख रहा है। लोग बोल रहे हैं भविष्यद्वक्ता खराब है, इनको भविष्यद्वक्ता खराब लग रहे थे, आप कैसे कह सकते हो?
लोग पास्टर्स को बुरा बोलते हैं, उन सबको बोलते हैं आप कैसे कह सकते हो। वचन ये कहता है कि तू दूसरे के सेवक पर उंगली मत उठा, वो जिसका सेवक है उससे वो हिसाब ले लेगा। यू शुड कीप क्वाइट, आपको परवान, आपका काम नहीं है, परमेश्वर हिसाब ले लेगा, वो छोड़ेगा नहीं किसी को, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर यकीन मानिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरा काम कान की खुजली के अनुसार बोलना नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगे, पर मेरा काम सीधी बात करना है। हालांकि मैं अभी खुलकर कभी बोलता ही नहीं, मैं बस प्रेरित करता हूँ कि आप बात करो। मैं चर्च में ये कहता हूँ कि आप प्रार्थना करो, आप धर्मी जनो, आपकी प्रार्थना से चिन्ह और चमत्कार होंगे। मुझे बुलाएंगे आप, ठीक है मैं हूँ, लेकिन जब आप अकेले हैं तब कौन है आपके साथ? आपका परमेश्वर, उसके अलावा कोई और नहीं। आई मोटिवेट चर्च लाइक दैट। पता, मेरा चर्च से कभी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आती मेरे पास, सिर्फ रविवार को। कुछ एक लोग हैं जो नहीं समझते, बहुत कमज़ोर हैं, नए हैं विश्वास में, दे कम ओनली, बट दे अदर पीपल दे डोंट कम, दे नो हाउ टू फाइट विद देयर प्रॉब्लम्स, दे हैव लर्न लाइक दैट। मैंने इसी तरीके से सिखाया है, आपको भी यही सिखाता हूँ। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर ने वही सामर्थ्य जो प्रभु के सेवक को दी आपको भी दी है। कुछ जगहों पर प्रभु के वचन के अनुसार चुने हुए लोगों को बुलाओ और उनके द्वारा हाथ रखने से चमत्कार होंगे, दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, बट दैट्स ट्रू आल्सो। बट क्या परमेश्वर ने आपको नहीं दिया? 14 पद, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काट बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन है, उसकी भाषा तुम न सह समझोगे और न यह जानोगे कि वे क्या कह रहे हैं। उनका तरकश खुली कब्र है और वे सब के सब शूरवीर हैं। तुम्हारे पके खेत और भोजन वस्तुएं जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए हैं उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को खा डालेंगे। वे तुम्हारे दांखों और अंजीरों को खा जाएंगे और जिन गढ़वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो उन्हें वे तलवार के बल से नष्ट कर देंगे। जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा मुझे नहीं दिखता ये, मैं इसे किसी और नजरिए से देखता हूँ। आई विल टेल यू लेटर, इसका वर्णन आगे भी आएगा, ओके आफ्टर दिस चैप्टर। पर 18 पद में अगर आप पढ़ रहे हो देन गॉड विल रिवील ऑन यू, ओके 18 पद, तो भी यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत न कर डालूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा अंत नहीं कर डालूंगा। जब तुम पूछोगे हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए हैं, तब तुम उनसे कहना, जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर अपने देश में तुम्हारे देवताओं की सेवा की है, उसी प्रकार से तुमको पराए देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। इफ यू डोंट फॉलो मी, इफ यू डोंट रियली लिसन टू मी, तुम दूसरों की बंदवाई में चले जाओगे। एक चीज सुनिए, परमेश्वर ने क्या अपने लोगों को आशीष के संतान नहीं बनाया? क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिकारी नहीं बनाया? फिर हम दूसरों के अधिकार में क्यों हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर की नहीं सुनी। और जितनों ने परमेश्वर की सुनी है वे परमेश्वर के द्वारा अधिकारी ठहराए गए। मेरा परिवार जो है मसीह में विश्वास में आने से पहले मैं राजा भोज था, कोई कमी नहीं थी, लाखों करोड़ों की संपत्ति थी मेरे पिताजी के टाइम पर, और पिताजी के टाइम पर बर्बाद हो गई। मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला, ना एजुकेशन मिली है और ना कोई और चीज़ मिली है। पर जब मैं मसीह में आया धीरे धीरे सारी चीज़ें, एजुकेशन, पैसा, ये पैसा तो आज भी नहीं है मेरे पास, रोज की रोटी है बस उतना ही काफ़ी है। बाय ग्रेस आई एम जस्ट मूविंग ऑन। 20 पद से लिखा है, याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आँखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको न पार कर सके। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, उन्होंने बलवा किया और दूर हो गए, वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा
तो बरसात के आरंभ और अंत के दिनों समय का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नेत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं, जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं, वे मोटे और चिकने हो गए हैं, बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते, इसलिए यहोवा की वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड ना दूं, क्या मैं ऐसी जाति को पलटा ना लूं। तो परमेश्वर किस रीति से व्यवस्थित चीजों को रखता है, अब सोचो थोड़ा ध्यान से। जैसा कि प्रभु के वचन में कहा, देखो समुद्र के किनारे, मुंबई में व्यक्तिगत रूप से देख नहीं पाया, मुंबई में जो बीच पर फिल्मों में दिखते हैं, वीडियोज़ में देखते हैं, तो वो क्या है, बीच के पास में ट्रायंगल शेप, आई डोंट नो किस तरह की शेप है, बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स रखते हैं कि समुद्र का पानी जो है रोड की तरफ ना जाए। वेल, ये कारगर तरीका है, पर पता दुनिया में ऐसी तरीके बहुत सारी गवर्नमेंट यूज़ कर रही है कि पानी यहाँ ना आए, पर पानी आ रहा है। पर जहाँ जहाँ परमेश्वर यहोवा ने रेत को रखा है, जिस रेत को मनुष्य ने डिस्टर्ब नहीं किया, वो रेत को जो है पानी कभी समुद्र का पानी पार नहीं करता, जब तक कि परमेश्वर ना चाहे। हर बात के लिए परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी रीति से तैयारी की है, और जो कुछ परमेश्वर ने तय किया वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन जिसकी सीमा मनुष्य ने पार की है उस सीमा का तो फिर क्या कहना। फिर प्रभु बचाए, 30 पद में, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे। ये दो वचन मैं सिर्फ लास्ट में पढ़ना चाहता था। आज भी यही हो रहा है, प्रचार करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है और अचंभित हो रहा है। लोग तो अचंभित हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कैसे बताए, अच्छा अच्छा बेटा मैंने ये तो कहा ही नहीं, अच्छा बेटा ये भविष्यवाणी तो मेरी तरफ से है ही नहीं, अच्छा बेटा बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों की तो आदत बना ली है, जहां भी जाएंगे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। अरे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है या तुम्हारे मन में जो है पैसे का आत्मा कह रहा है कि ये मैं उसे बोलूंगा तब वो मुझे पैसा देगा, या फिर जो है लोगों को ये दिखाने के लिए कि मुझे क्या कह रहा है। कई बार लोग मुझे मैसेज करते हैं कि पास्टर जी ये सपना मैंने देखा, इसका अर्थ क्या है। आई रेदर देन स्पीकिंग समथिंग आई जस्ट वॉन्ट टू कीप क्वाइट, मुझे भी डर लगता है। और ऐसा ही नहीं है यार, परमेश्वर ने कोई सपना आपको दिया और मुझे तुरंत उत्तर दिया। मैं प्रभु के सेवक पास्टर जेरी को आप सुन रहे हैं, जानते हैं ना, अभी विजनरी चर्च में वो मेरे बहुत बड़े सहायक हैं, बिकॉज ही इज़ पार्ट ऑफ फेलोशिप, हम साथ में हैं अब। तो पास जेरी ने कहा कि मैं एक साल से एक सपना देख रहा हूँ, बार बार परमेश्वर मुझे वो सपना दिखा रहा था। कपल ऑफ डेज बैक में लास्ट सैटरडे मैं उनके साथ बैठा था एंड गॉड रिवील दैट विजन ऑन हिम। परमेश्वर ने वो दर्शन को एक साल से जो वो देख रहे हैं, मतलब सपना जो देख रहे हैं, उसको पूर्ण रीति से ऊपर प्रकट किया। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द गॉड स्पीक्स। हर चीज़ बड़ा आसान नहीं है, आप खड़े हो गए कुछ भी बोल दिया, कई सारे प्रचारक बड़े तुरंत परमेश्वर का आत्मा ये कह रहा है। आप नोटिस करो, जब स्वप्न बताने की बारी आई, स्वप्न का अर्थ बताने की बारी आई, तो सीधा अर्थ लेके नहीं आ गया था यूसुफ। बोला कि मुझे समय दो, आई स्पीक टू माई लॉर्ड, आई स्पीक टू माई फादर एंड आई आस्क हिम व्हाट एग्जैक्टली फादर यू टोल्ड हिम, क्या सपना तूने उसको दिखाया, क्या कुछ दिया। पिता है इसीलिए बात करके आया, ही नीडेड टाइम, उसको समय चाहिए था, और वो समय के साथ बात करके परमेश्वर से, अपने पिता परमेश्वर यहोवा से वो लेकर आता है और तब जाकर रिवील करता है। ऐसे ही मिस्र के महान फैरो ने उसको प्रधानमंत्री घोषित नहीं कर दिया, हाँ बहुत आसानी से बोल देते हैं, बट यू नीड टू थिंक अबाउट दिस, दैट्स नीड टाइम। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट है, और मैं हमेशा इस बात को तोलता हूँ, और आप भी समझ लीजिए, जब भी कोई विजन या कोई आपको ड्रीम नज़र आता है, सबसे पहले ये देखो क्या ये परमेश्वर के वचन पर आधारित है, कहीं से भी वचन इसके साथ कनेक्टेड है। परमेश्वर उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं बोलने वाला।
ये बात स्पष्ट है। एनीवे, मे द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कम अपॉन यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु आपके लिए सहायता के द्वार खोले। प्रभु परमेश्वर, तेरे लोगों पर तू दया कर और अधिक सुंदर तेरे वचन को ग्रहण करने का मन दे। प्रभु तेरे साथ बैठने का मन दे, तेरे वचन में, तेरी इच्छा में, तेरी योजना में चलने की सामर्थ्य, तेरी इच्छा में प्रभु, जो तेरी योजना है प्रभु इनके जीवन में पूरी हो आज और आने वाला हर दिन। प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। हे प्रार्थना को सुनने वाले, चिन्ह और चमत्कार करने वाले प्रभु, अपनी दया कर, करुणा कर, कृपा कर, रोज की जिंदगी में तेरी भलाई के साथ हो। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको फलवंत करे, बलवंत करे, आशीषों से भर दे, वो जो प्रभु चाहता है आपके लिए पूरा करे। आमीन। जय मसीह की। जब भी कभी हम इस तरह का काउंटडाउन देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है कि अब क्या होने वाला है। यकीन मानिए, ऐसा ही काउंटडाउन चल रहा है जो बहुत जल्दी खत्म होगा और उसके बाद हमारे मसीह, हमारे उद्धारकर्ता का आगमन होगा। क्या आप तैयार हैं? और अगर नहीं तो आज ही तैयारी शुरू कीजिए। विजनरी रेडियो पर 24 घंटे 7 दिन।